नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। आलम यह है कि रूसी सेना अब कीव को घेरने की तैयारी कर रही है। वहीं ओडेसा में सुबह से गोलाबारी जारी है। उधर कीव में भी रूसी सैनिकों ने बमबारी की है। अमेरिका ने रूस की घेराबंदी के लिए 12,000 फौजी भेज दिए हैं। वहीं यूक्रेन के लुट्स्क में रूसी सेना ने गोलीबारी की है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की नज़र है। हालात ये हैं कि अब अमेरिका ने रूस की घेराबंदी करने के लिए 12,000 फौजियों को भेजा है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम नाटो के हर क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में तीसरा विश्व युद्ध नहीं लड़ने पर भी जोर दिया है। इधर यूक्रेन पर रूसी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि यूक्रेन के लोस्टेक के मेयर की ओर से यह दावा किया गया है कि रूसी सेना ने गोलीबारी की है। इसमें 4 सैनिकों की मौत हुई है जबकि 6 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि मेलिटोपोल के मेयर का अपहरण लोकतंत्र के खिलाफ युद्ध अपराध है। जेलेंस्की ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सभी लोकतांत्रिक देशों में 100% लोग इसके बारे में जानेंगे तो वो यही कहेंगे कि रूसी कब्जेदारों ने जो किया है उसकी तुलना ISI के आतंकवादियों के साथ होगी। युद्ध के 17वें दिन इंटरपोल ने रूस को बड़ा झटका देते हुए अपने नेटवर्क से सीधी जानकारियां लेने पर रोक लगा दी है। यानी कि अब इंटरपोल से रूस सीधी जानकारी हासिल नहीं कर सकता है। इंटरपोल वैश्विक पुलिस संगठन के विशाल नेटवर्क में सीधे जानकारी हासिल करने की रूस की क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया है और अब रूस को जानकारी हासिल करना चाहेगा। पहले फ्रांस स्थित सचिवालय में उनकी जांच की जाएगी और फिर रूस को वो जानकारी दी जाएगी या नहीं, उस पर विचार किया जाएगा। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि हाल के दिनों में इंटरपोल प्रणाली के धोखाधड़ी के प्रयास के कई संदेह का पालन करते हुए निगरानी उपायों को बढ़ाया गया है। हालांकि इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। यूक्रेन के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश यूक्रेनी शहरों में हवाई हमले के सायरन सुनाई दे रहे हैं। इसमें लोगों से सुरक्षित जगहों पर आश्रय लेने का आग्रह किया गया है। कई स्थानीय यूक्रेनी मीडिया ने बताया है कि राजधानी शहर कीव, ओडेस के पश्चिमी शहर लवीव और खार्किव, चरकासी के साथ साथ देश के उत्तर पूर्वी में सुमी क्षेत्र में सायरन सुना गया है। रूसी सेना पहले कीव पर संभावित हमले के लिए फिर से संगठित होती दिख रही है। उपग्रह चित्रों में उन्हें कीव में बंद होने के दौरान तोपखाने से फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। लेकिन फिलहाल यूक्रेन के हालात बहुत ही बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर लगातार रूस की तरफ से गोलाबारी की जा रही है और अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।